आज हम कर रहे हैं अकाउंट्स में चैप्टर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। छोटा सा चैप्टर है, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अभी जो क्लासिफिकेशन है ये दो टाइप की है, एक है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हम अकाउंट्स को मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अकाउंट्स यानी कि दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पर्सनल अकाउंट्स और एक होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स। अब ये पर्सनल अकाउंट फर्दर तीन टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इन पर्सनल अकाउंट फर्दर दो टाइप का हो जाता है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स के मेजर दो हेड बने, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। उसके पर्सनल अकाउंट फर्दर तीन टाइप के, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट आगे दो टाइप का, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो पहले इनका जो मेन ब्रॉड क्लासिफिकेशन है उसकी बात करते हैं, फिर इनके आगे ब्रांचेस की बात करेंगे। तो जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो कह रहा है कि अकाउंट्स दो टाइप का है, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी कि जो किसी पर्सन से संबंधित है, किसी पर्सन से रिलेटेड है, वो हो गया पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ब्रॉडली क्लासिफाई कर रहा हूं मैं पहले इसको। और इम्पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है वो इम्पर्सनल अकाउंट हो गए। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं इन पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, वो आगे फर्दर दो टाइप के, रियल अकाउंट। रियल का मतलब जो वास्तविक है, जो रियल में दिखते हैं, जिनकी एग्जिस्टेंस है, वो होते हैं रियल अकाउंट। यानी कि अब इस रियल अकाउंट में क्या क्या आ गया, जैसे कि बिल्डिंग अकाउंट है ना, बिल्डिंग अकाउंट, जैसे कि मशीन अकाउंट, जैसे कि फर्नीचर अकाउंट। यानी कि जो एसेट है वो सारी की सारी रियल है, क्योंकि आप उसे देख सकते हो, छू सकते हो, रियल में एग्जिस्ट करती है वो, है ना। तो रियल अकाउंट ये हो गए। और नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का मतलब जो सिर्फ नाम के लिए है, वैसे वो एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन नाम के लिए वो है, लाइक सैलरी अकाउंट। अब देखो सैलरी अकाउंट, सैलरी कहीं एग्जिस्ट थोड़ी ना करती है, कोई फिजिकल चीज थोड़ी ना जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो। अब आपको सर देख तो सकते, कैश नहीं है, तो वो कैश हुआ ना, वो तो रियल में आ गया, कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट तो रियल हो गया। ऐसे ही जितने भी एक्सपेंस है, जैसे कि रेंट अकाउंट, जैसे कि कमीशन अकाउंट, है ना, जैसे कि परचेज अकाउंट। अब तुम होगे परचेज भी तो दिखती है, परचेज नहीं दिखता, वो तो स्टॉक दिखता है, स्टॉक तो फिर रियल अकाउंट हो गया, है ना। परचेज जो एक वर्ड है, जो परचेज वर्ड है, सिर्फ उसके बारे में सोचो। परचेज तो एक एक्ट है, खरीदना एक एक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो खरीदे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इस एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, जो एक काम हुआ है परचेज करना, है ना। तो परचेज अकाउंट, जो परचेज किया जा रहा है, ये जो एक्टिविटी है, ये कहीं दिखती थोड़ी ना, कोई टच कर सकते हो नहीं, तो इसलिए परचेज अकाउंट नॉमिनल है। ऐसे ही सेल अकाउंट हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट है। तो समझ में आ गया, इम्पर्सनल अकाउंट दो टाइप का, रियल और नॉमिनल। अब देखो ये इम्पर्सनल क्यों है, जस्टिफाई हो गया होगा आपको, क्योंकि कहीं पर भी कोई पर्सन का नाम नहीं है इसमें, है ना। तो इसलिए इन्हें हम इम्पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। अब आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट के ऊपर। पर्सनल अकाउंट इसके नाम से लग रहा है कि सारे के सारे पर्सन वाले ही होंगे,
अब पर्सन भी देखो कितने टाइप के, एक होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब जिसे भगवान ने बनाया, जैसे राम्स अकाउंट, जैसे श्याम अकाउंट, है ना, जैसे कि मोहन अकाउंट, जैसे कि कमल अकाउंट। तो ये सारे के सारे जो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट है ना, कह रहे तो पर्सन ही पर्सन आपको दिख रहे हैं, सबके नाम है पर्सन है। अच्छा आर्टिफिशियल पर्सन, अब तुम कहोगे ऐसे कौन से पर्सन है जो आर्टिफिशियल है, होती है जिन्हें, ये वो है जिन्हें भगवान ने बनाया, नेचर ने बनाया, इसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन जिन्हें हमने बनाया, जैसे कि रिलायंस लिमिटेड अकाउंट, जैसे कि टाटा अकाउंट, जैसे कि एबीसी कंपनी अकाउंट, जैसे कि एक्स वाई जेड अकाउंट, ये सारी की सारी कंपनी फर्म ये है, तो ये भी नाम ही। अब आप कहोगे ये पर्सन तो नहीं है, नहीं ये पर्सन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मालिक होता है और जो बिजनेस होता है वो दो अलग अलग बातें हैं, है ना। तो बिजनेस की अपनी एक पहचान है, कानून की नजर में बिजनेस का अपनी एक एंटिटी है, तो इसकी एक अपनी एंटिटी है। मैंने बताया था ना, अगर आपका जैसे मोबाइल खराब हो जाता है, रिलायंस का मोबाइल आपके पास, तो रिलायंस का मोबाइल खराब हो गया तो आप किस पे केस करोगे, रिलायंस पे केस करोगे या अंबानी पे, रिलायंस पे। यानी कि रिलायंस कोई अपनी पहचान रखता है, तभी तो आप रिलायंस पे केस कर रहे हो। और अगर आपने कुछ रिलायंस से धोखा किया तो आपके ऊपर केस कौन करेगा, रिलायंस कंपनी। यानी कि ये जो कंपनी है, ये जो फर्म है, ये जो बिजनेसेस है, ये सारे के सारे बिल्कुल इंसान जैसे ही है, पर्सन जैसे ही है, बस ये जिंदा नहीं है, इसलिए हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। अदरवाइज ये सारे एक्ट जो एक पर्सन करता है वो ही एक्ट करते हैं, ठीक है। तो जितने भी बिजनेस के नाम हो गए वो सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ गए। एक है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब देखो क्या, जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट, जैसे कि एडवांस कमीशन, जैसे कि सैलरी ड्यू, accrued इंटरेस्ट। तो ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अब तुम कहोगे इसमें तो पर्सन का नाम नहीं है सर, आपने कहा था पर्सनल अकाउंट में कोई ना कोई पर्सन होनी चाहिए, ये समझ में आ गया कि ये सारे पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, ये समझ में आ गया, ठीक है। ये इंसानों ने बनाए हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। ये भगवान ने बनाए हैं, ये इंसान ने बनाए हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या हुआ, इसमें कोई पर्सन भी नहीं है, है। देखो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब मैंने रेंट देना बाकी है, तो रेंट मैंने किसको देना बाकी है, किसको देना बाकी है, यानी कि इस आउटस्टैंडिंग रेंट के पीछे सोच के देखो कोई ना कोई पर्सन जरूर खड़ा है जिसको मैंने रेंट देना है ना। आउटस्टैंडिंग रेंट, एडवांस कमीशन, मैंने एडवांस में कमीशन दे दिया, किसको दे दिया, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई पर्सन जरूर है। यानी कि जो एडवांस कमीशन टर्म है हमारे सामने, तो एडवांस कमीशन है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई पर्सन जरूर होगा जिसको वो एडवांस कमीशन दिया गया है या जिससे एडवांस कमीशन लिया गया है ना। अब इसके पीछे कोई ना कोई पर्सन, अब कौन सा पर्सन हो सकता है, नेचुरल पर्सन हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन कोई भी हो सकता है। जैसे कि मैंने रेंट अगर राम को देना है, इनके पीछे एक पर्सन है ना, नेचुरल पर्सन है ना इसके पीछे, यानी कि, या अगर मैं कहूं कि मैंने टाटा की कोई जगह किराए पे ले ली थी, तो आउटस्टैंडिंग रेंट किसको देना है मैंने, टाटा कंपनी को, यानी कि इस आउटस्टैंडिंग रेंट के पीछे फिर से कोई ना कोई पर्सन है। वो अलग बात है, वो नेचुरल पर्सन नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो सही ना, इसके पीछे कोई ना कोई पर्सन। इसीलिए ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही हैं किसी पर्सन को, सामने पर्सन नहीं है लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रही है किसी पर्सन को, यानी कि इसके पीछे बिहाइंड द पिक्चर कोई ना कोई पर्सन जरूर है, इसलिए से रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट बोलते हैं, कि ये रिप्रेजेंट कर रही है किसी पर्सन को, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन था, एक बार फटाफट से क्विक रिव्यू में दोबारा कराया था। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स के ब्रॉडली हमने दो पार्ट किए, पर्सन अकाउंट, इम्पर्सन अकाउंट। पर्सन अकाउंट वो जो किसी पर्सन से रिलेटेड है, इम्पर्सन अकाउंट वो जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है। तो पर्सन अकाउंट के अंदर नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, तीन पर्सन अकाउंट हो गए, और इम्पर्सनल में दो, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। यानी कि कुल मिलाकर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में पांच टाइप के अकाउंट होते हैं। अब नेचुरल पर्सन में जिसे हम भगवान ने बनाया, राम श्याम मोहन सोहन, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन में जिसे इंसान ने बनाया लेकिन है ये भी नाम वाले, रिलायंस, टाटा, एबीसी, एक्स वाई जेड, कुछ भी। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो है जिसे, जिसके पीछे कोई ना कोई पर्सन है,
जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एडवांस, रिलेटिव एक्रूड इंटरेस्ट वगैरह, ये सब चीजें, ठीक है। और रियल अकाउंट वो है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच करते हैं। नॉर्मली सारी की सारी असेट्स यही आती है। देखो बिल्डिंग रियल में दिखती है, मशीन दिखती है, फर्नीचर, कैश, ये सब रियल है, दिखता है। नॉमिनल अकाउंट वो जो नाम मात्र के हैं, नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र, सिर्फ नाम के लिए है, अदरवाइज फिजिकली उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे कि सैलरी, रेंट, कमीशन, परचेज, सेल, यानी कि सारे खर्चे आ गए, सारी इनकम्स आ गई, सब इसके अंदर आ जाता है नॉमिनल अकाउंट। तो पांच टाइप के अकाउंट ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में। अब आ जाते हैं हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में स्ट्रेट अवे इसके पांच पार्ट हो जाते हैं, कोई सब कैटेगरी नहीं, सीधे सीधे इसके पांच अकाउंट है। सबसे पहला मॉडर्न अकाउंट में है एसेट अकाउंट, दूसरा होता है इसके अंदर लायबिलिटी अकाउंट, तीसरा होता है कैपिटल अकाउंट, फोर्थ रेवेन्यू अकाउंट, और फिफ्थ एक्सपेंस अकाउंट। तो इसके अंदर स्ट्रेट अवे मॉडर्न क्लासिफिकेशन में पांच टाइप के अकाउंट्स मानते हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन यानी कि जो पहले क्लासिफिकेशन की गई थी, बहुत पुरानी क्लासिफिकेशन है, बहुत टाइम से चलती आ रही है, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, इससे नई है ये। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहते हैं अकाउंट्स पांच टाइप के होते हैं, जो अकाउंट होते हैं। एसेट अकाउंट का मतलब इसके नाम से ही लग रहा है, सारी की सारी जो एसेट्स है, यानी कि चाहे वो बिल्डिंग अकाउंट ले लो, चाहे वो मशीन अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, जितनी भी असेट है। अब चाहे वो असेट टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, फिक्टिशियस है, कोई भी हो, सारी असेट्स यहां आएंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लायबिलिटी अकाउंट, इसके नाम से ही लग रहा है, जितनी भी लायबिलिटीज है सारी आएंगी। अब चाहे वो क्रेडिटर है, चाहे वो बिल्स पेबल है, चाहे लोन्स है, चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, देखो कितना फर्क आ गया। यहां आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में ले रहे थे, है ना, यहां आउटस्टैंडिंग क्योंकि लायबिलिटी है तो लायबिलिटी है। इनकी मॉडर्न क्लासिफिकेशन में स्ट्रेट अवे फंडा है कि जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी है, उससे पर्सन है, इम्पर्सन है, कोई मतलब नहीं है। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन स्ट्रेट अवे फंड है। इसके अंदर थोड़ा सा उसको कैटेगराइज किया गया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, यहां पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट अवे। कैपिटल अकाउंट का मतलब सीधा कैपिटल अकाउंट, जो ऑनर ने कैपिटल लगाई है वो कैपिटल अकाउंट, चाहे वो जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था तब लगाई हो, और तब लगाई हो कैपिटल, इंट्रोड्यूस किया हो, चाहे वो एडिशनल कैपिटल लगाई हो। एक बात और ध्यान रखना, ये जो ड्रॉइंग्स है वो इसी में से माइनस हो जाएंगी, यानी कि ड्रॉइंग्स भी कैपिटल अकाउंट में आती है, वो समझ लो नेगेटिव कैपिटल अकाउंट है। इनकी ड्रॉइंग्स वो भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, लेकिन ये नेगेटिव होता है ना, कैपिटल कम नहीं हो जाती इससे, तो ड्राइंग्स भी हम कैपिटल अकाउंट में ही लेते हैं। अब आप कहोगे ये कैपिटल अकाउंट जो राम्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें सोचो जरा कहां आएगा राम का कैपिटल अकाउंट। यहां पे तो अगर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, राम्स कैपिटल अकाउंट आप कहोगे तो कैपिटल अकाउंट तो यही आना चाहिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग राम्स कैपिटल राम बिजनेस में ना, तो कहां आएगा सोचो, पर्सनल है इम्पर्सनल है, पर्सनल है, कौन सा पर्सन, नेचुरल पर्सन, तो राम का कैपिटल अकाउंट यहां आएगा, है ना, नेचुरल पर्सन अकाउंट में। लेकिन इसके हिसाब से कैपिटल अकाउंट राम कैपिटल अकाउंट यहां आएगा। अच्छा, उसके बाद रेवेन्यू अकाउंट का मतलब बिजनेस में जो भी कुछ आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है बिजनेस में वो रेवेन्यू, यानी कि सेल के पैसे आते हैं ना, रेवेन्यू। इंटरेस्ट आ रहा है बिजनेस में, रेवेन्यू। कहीं से प्रॉफिट आ रहा है, रेवेन्यू। कहीं से रेंट आ रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव, रेवेन्यू। कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है, रेवेन्यू। समझ में आ गया, रेवेन्यू मतलब जो भी बिजनेस में आ रहा है। उसके बाद एक्सपेंस अकाउंट, इसके नाम से लग रहा है, जितने भी खर्चे हैं, जो यानी कि जो बिजनेस से जा रहे हैं, चाहे वो परचेज हो, एक्सपेंस अकाउंट, चाहे वो वेजेस है दे रहे हैं मजदूरी, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो इंटरेस्ट दे रहे हैं हम किसी को, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं किसी को, अगर हमारे बैड डेट हो गए, पैसे डूब गए, तो ये सब के सब एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन डिफरेंस आपके सामने बिल्कुल इसीलिए सामने हमने किया मैंने, ताकि आप इसको कंपेयर कर सको। अब क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, वो चार पांच आइटम लिख देंगे, जैसे कि लिख देंगे डेटर, और जैसे लिख दिया इन्होंने आउटस्टैंडिंग सैलरी, और लिख दिया ड्रॉइंग्स, एडवांस, कमीशन, रिसीट।
ये पांच चीजें लिख दी। अब ये कहेंगे आपसे कि एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन इनको बताओ कि आप किस किस अकाउंट में डालोगे। तो एज पर क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन में बड़े ध्यान से पढ़ लेना, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मांग रहे हैं कि मॉडर्न से, क्योंकि दोनों में आपका आंसर चेंज हो जाएगा। चलो करते हैं इसको। अगर मैं ट्रेडिशनल से करूं तो बिल्डिंग किस में आएगा, बिल्डिंग रियल अकाउंट है। डेटर कहां आएगा, डेटर क्योंकि पर्सन है ना, डेटर में राम श्याम मोहन सोहन कोई ना कोई नाम जरूर होगा है ना, तो नेचुरल पर्सन हो सकता है। या अगर डेटर टाटा कंपनी मेरी डेटर है तो वो आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है। तो डेटर मतलब पर्सनल अकाउंट में आएगा, नेचुरल भी हो सकता है आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी किसमें आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी देखो इसमें आउटस्टैंडिंग सारे इधर आते हैं ना, तो आउटस्टैंडिंग कोई भी खर्चा हो वो रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई पर्सन बिलोंग करता है, किसी पर्सन से बिलोंग कर रही है, तो इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया। ड्रॉइंग्स किसमें आएगा, क्योंकि ड्रॉइंग्स जो बिजनेस का मालिक है उसके नाम से ड्रॉइंग्स होती है, तो ये नेचुरल पर्सन में आएगा। एडवांस कमीशन रिसीव रिप्रेजेंटेटिव में आएगा, ठीक है। अच्छा सिर्फ सैलरी लिखा ऊपर तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा था, आउटस्टैंडिंग सैलरी तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आएगा, और सिर्फ सैलरी लिखा है तो वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो इस तरह से एक एक नंबर में आ जाएगा। अगेन उन्होंने कहा ये आइटम नहीं बताओ, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से मॉडर्न क्लासिफिकेशन से बताओ कि कहां कहां कौन सी आएंगी। तो देखो बिल्डिंग कहां आएगा, बिल्डिंग एसेट अकाउंट में आएगा। डेटर कहां आएगा, एसेट अकाउंट में आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी सिंपल सी बात है लायबिलिटी है, तो इसलिए लायबिलिटी में आएगा। ड्रॉइंग्स कैपिटल में, मैंने बताया था कैपिटल में है ना, क्योंकि ड्रॉइंग्स जो होती है कैपिटल को नेगेटिव करती है, कैपिटल का पार्ट, कैपिटल का नेगेटिव पार्ट है। एडवांस कमीशन रिसीव, हमें एडवांस में कमीशन ले लिया तो लायबिलिटी है मेरी, कमीशन एडवांस में लेना। सैलरी किसमें आएगा, एक्सपेंस में आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में।